नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सफ़र कर रहे हैं दिल्ली से श्रीनगर तक, और हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि एयरपोर्ट में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कैसे आपको चेकिंग करना पड़ता है, कैसे बोर्डिंग करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा आफ्टर दिस कोविड, ताकि आपको भी कोई परेशानी ना हो। हम लोग आज जा रहे हैं दिल्ली से श्रीनगर। हमारी फ़्लाइट 9:20 की है स्पाइस जेट में। तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम लोग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली आ पहुँचे हैं। हम लोगों को एंट्री करनी पड़ेगी पहले, तो एंट्री करने के लिए हमें गेट से जाना पड़ेगा। गेट में पहले यहाँ पे जो सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं CISF के, वो लोग आपके ID कार्ड्स वगैरह चेक करेंगे, विथ प्रॉपर टिकट्स चेक करेंगे। तो उसके लिए आप उसे हैंडी रखिए, हाथ में अपने कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड ID कार्ड, जैसे कि पासपोर्ट हुआ, आधार कार्ड हुआ, वोटर आई कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए, विथ आपके टिकट्स आपके हाथ में होने चाहिए। वहाँ CISF के जवान सिक्योरिटी पर्सनल आपके वो डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, टिकट्स चेक करेंगे। उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट में एंट्री कर जाएंगे। एयरपोर्ट में एंट्री करने के बाद अपने जो फ़्लाइट्स है, हमारी जो से फ़्लाइट है स्पाइस जेट की, जिसकी जो फ़्लाइट रहेगी उसके काउंटर में आपको जाना पड़ेगा। काउंटर से आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा। हम लोगों ने स्पाइस जेट की फ़्लाइट बुक की थी दिल्ली से श्रीनगर जाने के लिए। तो हम लोग अभी जैसे आप देख रहे हैं कि स्पाइस जेट की काउंटर में खड़े हैं इन क्यू। स्पाइस जेट के काउंटर में हम लोगों ने अपना टिकट्स दिखाया और साथ ही अपने ID कार्ड्स फिर से उनको दिए। वहाँ से हम लोगों को बोर्डिंग पास मिलेगा। ये सारे आप जो से देख रहे हैं कि ये सारे प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं जो आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने साथ हैंड बैगेज में नहीं ले जा सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने पूरे लगेज में ही नहीं ले जा सकते। इसका आप खास ख्याल रखें, ताकि जब आपकी बैगेज चेकिंग हो रही हो तो वहाँ से कोई भी सामान निकाला ना जाए। यहाँ आप देख रहे हैं कि हम लोग के लगेज वेट हो रही है। एक पर्सन को डोमेस्टिक ट्रैवल में 15 kg का चेक इन बैगेज और 7 kg का हैंड बैगेज अलाउड है। 1 पर्सन, हम लोग 6 लोग ट्रैवल कर रहे थे तो हम लोगों को 90 kg तक का बैगेज अलाउड था। एंड 90 kg का बैगेज में हम लोगों ने जैसे सारे बैग वेट किए तो हम लोगों के अप्रॉक्सीमेटली 67 kg आए। अगर बैगेज ज़्यादा आएगा, वेट ज़्यादा आएगा, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा एज पर द रूल्स ऑफ द कैरियर। इसके बाद उन्होंने हमें बोर्डिंग पास दिया। ये बोर्डिंग पास हम लोगों ने ले लिया। बोर्डिंग पास लेने के बाद हम लोग आगे निकल गए सिक्योरिटी चेक के लिए। अगेन यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होती है। जो हमारा हैंड बैग है, वो हैंड बैग ये लोग स्क्रीनिंग करते हैं, वहाँ देखते हैं कि कोई ऐसा प्रोहिबिटेड आइटम्स ना हो, और साथ ही इन पर्सन वो लोग हमें चेक करते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जो सिक्योरिटीज़ के जवान हैं, मोस्टली CISF के जवान होते हैं, वो हमें इंडिविजुअली चेक करते हैं, साथ में हमारा हैंड बैगेज चेक करते हैं। ये हैंड बैगेज चेकिंग, ये चेकिंग काउंटर्स है, ये गेट्स है। इस गेट में देख रहे हैं ये हर इंसान को चेक इन किया जाता है, मेल फीमेल बच्चे सबको चेक इन किया जाता है मेटल डिटेक्टर से, अलॉन्ग विथ उनका बैगेज बेल्ट वगैरह सारे चेक किए जाते हैं। उसके चेकिंग के बाद हम लोग अंदर चले आते हैं एयरपोर्ट में। ये आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत। इसमें हर तरह के सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। ये देख रहे हैं आप टॉयलेट्स एकदम चकाचक, हमेशा साफ रहती है ये टॉयलेट्स। मेल के लिए एक तरफ, फीमेल्स के लिए एक तरफ, हर तरह की सुविधाएं हैं दोस्तों। एयरपोर्ट
कोई शिकायत नहीं है। हर तरह के आपके शॉप्स मिल जाएंगे यहाँ पे, आप यहाँ से सुवेनियर्स ले सकते हैं, आप यहाँ से सनग्लासेस, फुटवेयर्स, क्लोथिंग्स, एवरीथिंग, टॉयज़, ये देख रहे हैं टॉयज़ की दुकान है, किताबें, बच्चों के लिए दुकानें, हर तरह की शॉप्स आपको मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत लगता है दोस्तों इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बैठने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारे दोस्तों खाने की जगहें हैं, खान पान के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लाउंजेस हैं, आप जैसे देख ही सकते हैं चारों तरफ आपके शॉप्स वगैरह लगे हुए हैं, बहुत कस्टमर्स भी बहुत सारे हैं। चूँकि ये देश का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और बहुत ही बड़ा हवाई अड्डा है, यहाँ से बहुत सारी फ्लाइट्स विदेशों के लिए जाती है। मोस्टली इंडिया से जितनी सारी विदेशों की फ़्लाइट्स है, मैक्सिमम फ़्लाइट्स दिल्ली से ही निकलती हैं। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रश होती है नई दिल्ली हवाई अड्डे में, बहुत ही ज़्यादा रश होती है। ये आप देख रहे हैं, ये वैसे तो ये डोमेस्टिक टर्मिनल है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे का दो टर्मिनल है, एक डोमेस्टिक टर्मिनल है, एक इंटरनेशनल टर्मिनल, दोनों के द्वार अलग अलग हैं। आप जहां से भी आएँ, आप अपने टैक्सी वाले या जिस भी साधन से आप एयरपोर्ट पहुंचना चाहें, आप उनको पहले ही बोल दीजिएगा कि हमको डोमेस्टिक टर्मिनल जाना है या इंटरनेशनल टर्मिनल जाना है, क्योंकि दोनों के द्वार, दोनों के रास्ते थोड़े अलग हैं, थोड़े दूर पर स्थित हैं। तो इसके लिए आपको पहले ही बोल देना पड़ेगा टैक्सी वाले या जिस भी साधन से आएँ कि हम कहाँ जाएंगे, डोमेस्टिक में जाएंगे या इंटरनेशनल में जाएंगे। डोमेस्टिक में जैसे हम लोगों ने डोमेस्टिक में आना था, तो हम लोगों ये डोमेस्टिक टर्मिनस है, यहाँ हम आ पहुँचे हैं, यहाँ पे हम लोग चेक इन कर चुके हैं। इंटरनेशनल टर्मिनस अलग है, वहाँ पे आप अगर जाते हैं तो वो टर्मिनस के लिए आपको अलग से जाना पड़ेगा। ये जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोग एकदम अंदर आ चुके हैं, अंदर आने के बाद यहाँ पे हम लोग बोर्डिंग गेट्स के पास आ चुके हैं। हमारी जो बोर्डिंग गेट्स है उसके पास भी बहुत सारे बैठने के साधन लगे हुए हैं, यहाँ पे देख ही रहे हैं कि कितने लोग बैठे हुए हैं। ये बोर्डिंग गेट्स के पास हम बैठे दोस्तों, आपको एक बहुत ही खास परिसेवा के बारे में बताऊंगा जो आपको प्रायोरिटी पास के नाम से जाना जाता है। भारत में कुछ बैंक्स और कुछ संस्थाएं आपको ये प्रायोरिटी पास उपलब्ध कराते हैं दिल्ली हवाई अड्डे में। आप जैसे देख रहे हैं कि ये फूड कोर्ट के नाम से जो आपका लाउंज है, यहाँ पे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, हेटिक डिनर्स क्लब के तरफ से प्रायोरिटी पास उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा चूंकि अकाउंट एक्सिस बैंक में है, तो एक्सिस बैंक के मेरे पास दो अकाउंट्स हैं और दो कार्ड्स हैं, वो दोनों कार्ड्सों में मुझे प्रायोरिटी लाउंज फैसिलिटी अवेलेबल है। आप जैसे देख रहे हैं कि मैं काउंटर में गया, मैंने अपना कार्ड स्वाइप किया, उनको अपना टिकट्स दिखाया और उन्होंने मुझे अपना ये एक्सेस प्रोवाइड किया। इसमें मुझे सिर्फ ₹2 का चार्ज लगा, एक्सिस बैंक सिर्फ ₹2 चार्ज लेती है, एंड मुझे ये लाउंज एक्सेस मिला। एंड इस लाउंज में आप देख रहे हैं कि खाने बैठने तक के हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। खाने में अभी चूंकि हम लोग सुबह सुबह आए हैं, तो ब्रेकफास्ट उपलब्ध है। आप देख रहे हैं कि ब्रेड, सॉसेजेस, इडली, डोसा, बटर्स, सांभर, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, सब कुछ अवेलेबल है। आपके अपने पसंद के हिसाब से आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ खा सकते हैं। इसके लिए एक्सिस बैंक ने सिर्फ ₹2 का चार्ज लिया एंड बाकी पूरा ही फ्री है। ये बहुत सारे संस्थाएं ये उपलब्ध कराती हैं, आप भी इसको अवेल कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द हवाई अड्डों में ये सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन वहाँ आप अगर प्रायोरिटी लाउंज में जाते हैं, पहले से आप जानकारी ले लीजिए कि किस प्रायोरिटी लाउंज में आपका कार्ड कहाँ पे वैलिड है। अब हम आ चुके हैं दोस्तों अपने बोर्डिंग गेट्स के पास। आप जैसे देख रहे हैं कि हमारी फ़्लाइट 9:20 की है श्रीनगर की। अब हम लोग बोर्डिंग गेट्स की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। बोर्डिंग गेट्स में हम जाएंगे, ये हम लोग बोर्डिंग गेट्स के अंदर आ चुके हैं। अब ये बस है, ये बस हमें अपने फ्लाइट तक, अपने एरोप्लेन तक पहुंचाएगी। हम लोग इस बस के थ्रू उस फ्लाइट तक पहुंचेंगे। हम लोग की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी है, अब जस्ट हम लोग को फ्लाइट को ऑनबोर्ड करना है।
ये हम लोग आ चुके हैं, ये बस ला चुकी है हमें अपने फ्लाइट के पास, एकदम फ्लाइट के पास हम लोग आ चुके हैं। यहाँ हम लोगों ने बस को डीबोर्ड किया, अब हमारी पारी फ्लाइट को बोर्ड करने के लिए। अब हम फ्लाइट को ऑन बोर्ड करेंगे, देखते हैं कि हमारी सीट आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है। तो दोनों द्वार खुले हुए हैं, जिस भी द्वार से हमें हमारी सीटिंग पोजीशन के हिसाब से वे हमें गाइड करेंगे कि हमें कौन से गेट से चढ़ना चाहिए। ये हमारे जो एरोप्लेन या फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं वो लोग हमें गाइड कर देते हैं। ये जैसे हमने आगे की गेट की तरफ आगे बढ़ा, पहले बढ़ा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी शायद सीट्स पीछे की तरफ है, तो हम वहाँ से फिर पीछे की गेट की तरफ आगे बढ़ गए। ये हमारे टिकट्स उन्होंने स्कैन किया, फिर उन्होंने हमें फ्लाइट के अंदर जाने दे दिया। ये हम फ्लाइट के अंदर विथ हैंड बैगेज आ पहुँचे हैं, ये हम अंदर जा रहे हैं फ्लाइट्स के अंदर। अपने अपने सीट नंबर्स यहाँ पे लिखे होते हैं हर सीट के अंदर, वहाँ सीट नंबर देख करके आप अपना लगेज केबिन के अंदर रख करके आप आराम से बैठ जाइए। ये सारे आप जैसे देख रहे हैं कि फ्लाइट में सारे चिन्ह दिए रहते हैं कि आप अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए। ये जैसे आप देख रहे हैं कि सीट के ऊपर सारे चिन्ह दिए रहते हैं, आपको किसी अटेंडेंट को बुलाना है तो वहाँ देखिए उस बटन को आप पुश कर दीजिए, आपके पास अटेंडेंट फ्लाइट अटेंडेंट्स आ जाएंगे। लाइट्स वगैरह लगे रहते हैं, आपको अपनी चेयर के अनुसार अगर लाइट लगाना है जलाना है तो लाइट के बटन्स ऑन कीजिए, देखिए लाइट जल जाएंगे। ये आपके एसी के नॉब्स हैं, अगर आपको एसी कम करना है, बढ़ाना है या अपनी तरफ लेना है तो आप इस नॉब को घुमा करके ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये देख सकते हैं जैसे आप नॉब जिस तरफ भी घुमाएंगे नॉब खुलेगा, नॉब से आपकी हवा तेज या कम आप कर सकते हैं एसी की। ये लाइट की स्विचेज हैं, लाइट ऑन करेंगे आप पढ़ सकते हैं लाइट्स को ऑन कर करके। और बाजू में आप अगर देखेंगे कि वहाँ अटेंडेंट का साइन दिया हुआ है, आप अगर उसको आपको पानी चाहिए तो आप आपके अटेंडेंट आपको वहाँ से आ जाएंगे, या कोई भी चीज़ आपको फ्लाइट अटेंडेंट्स की ज़रूरत पड़ी तो आप उस बटन को नॉब को दबा करके उन्हें आप बुला सकते हैं। ये आप जैसे देख रहे हैं कि सीट बेल्ट की स्विच ऑन की हुई है, यानी कि आप अपनी सीट बेल्ट बांध लें, सीट बेल्ट बांधे रखें, आप अपनी फ्लाइट के दौरान भी आप अपनी सीट बेल्ट बांधे रखें जब तक मैं आपको दूसरी कोई प्रावधान प्रोवाइड की जाती हो। ये जैसे हमारी फ्लाइट थी दोस्तों, हमारी फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर की थी, लेकिन जम्मू में इसकी एक स्टॉप थी, तो जम्मू में जो उन लोगों को उतरना था वो लोग उतर गए, नए लोग वहाँ से सवारी पे चढ़ गए। अब हमारी फ़्लाइट श्रीनगर के लिए रवाना हो चुकी है। आप देख रहे हैं पहाड़ों के बीच से हम लोग जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, पूरे पहाड़ हैं चारों ही तरफ। श्रीनगर एयरपोर्ट आप अगर कभी आएँ आपको दिखेगा कि चारों तरफ ही पहाड़ है और पहाड़ों के बीच में ये एयरपोर्ट है। अब हम श्रीनगर विमान बंदर में उतरेंगे, यहाँ हम लोग बाहर आ चुके हैं, टैक्सी स्टैंड से टैक्सी लेंगे, प्रीपेड टैक्सी स्टैंड से टैक्सी लेकर के हम अपनी होटल की तरफ बढ़ेंगे। ये हम लोगों ने एक टाटा सुमो हायर किया हुआ है जिसका किराया 1100 रुपये पड़ा फ्रॉम एयरपोर्ट टू डल लेक, जहाँ पे हमारा होटल स्थित है। हम लोग अब श्रीनगर शहर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। श्रीनगर शहर यहाँ से करीब 12 से 13 किलोमीटर दूर है, डल लेक 12 से 13 किलोमीटर दूर है। तो ये वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में हम लोगों से जितनी जानकारी हो सकी हम लोगों ने आपको प्रदान किया। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, हम आगे भी आपको इसी तरह से वीडियो प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।